आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? दिल से चुने कोई एक तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आए हैं और इसका टॉपिक है, आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? दिल से चुने कोई एक फूल। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर दो फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको दोनों में से एक चुन लेना है जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और देख लेते हैं आज आपके लिए कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं आपके लिए, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, कौन सी अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तो आप अपनी आँख बंद करके उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सही रीडिंग मिल पाए। इसके लिए आप सही ऑप्शन चूज़ करें। आपके सामने जो भी दो ऑप्शन है, इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको एक ऑप्शन चुन लेना है। एक पिंक फ्लावर है, एक पर्पल है, तो दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है उसे आप चुन लीजिए। और देख लेते हैं टैरो कार्ड आज आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। तो जिस किसी ने भी चुना है ये पिंक फ्लावर, उसके लिए टैरो कार्ड यही कह रहे हैं कि आपके लिए आपके जीवन में जिस खबर का आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो आपको मिलने वाली है। जी हाँ, आपको फैमिली की तरफ से कोई ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। कोई विवाह बंधन, कोई अच्छा शुभ संकेत आपको मिलने वाला है, या तो फिर आपको दोस्तों की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगर स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छे नंबरों से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप रिलेशन में थे तो हो सकता है आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, उनका कोई मैसेज आए जो बहुत दिनों से नहीं आया हो। फ्रेंड्स, ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच अगर बातचीत बंद हो गई थी तो कोई ना कोई मैसेज किसी के थ्रू वो भेज सकते हैं, कुछ खबर किसी से भेज सकते हैं, तो फिर कोई दोस्त आपको बता सकता है कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या उनका कोई मैसेज आपके पास ला सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर कुछ ही घंटों के अंदर आपको ये खुशखबरी मिलेगी। आप जिस भी खबर का इंतज़ार कर रहे थे, जो लंबे समय से आपके मन में कोई इच्छा दबी हुई थी, उससे रिलेटेड कोई ना कोई खबर आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर दोस्तों कि अभी आपकी लाइफ में कोई काम आपका अटका हुआ था वो अब आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है ये खबर उसी से संबंधित हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अब जिस किसी ने भी चुना है सेकंड नंबर का फ्लावर, उनके लिए देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या कहते हैं। तो जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप खुश हों, सेहतमंद हों और अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हों। आपके लिए टैरो कार्ड यही कह रहे हैं दोस्तों कि अभी आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल चल रही थी, जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में टेंशन का माहौल बना हुआ था वो अब दूर हो रहा है धीरे धीरे, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया था तो हो सकता है किसी न्यू पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। और अगर आप किसी से मिले थे, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आप किसी से शादी या पार्टी में मिले थे, या तो फिर कहीं मॉल में मिले थे, कोई है जो आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अब आपको ढूंढ रहा है, आपको प्रपोज करने वाला है, आपको अपने प्यार का ऑफर देने वाला है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। आप किसी से भी मिले थे, या हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में आप बहुत ज़्यादा आप उनके करीब नहीं हैं, आप ज़्यादा बात नहीं करते, आप बहुत सीरियस नहीं है उनके लिए, लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई ऐसा मैसेज मिलने वाला है कि आपको खुद शॉकिंग लगेगा, आपने सोचा ही नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए कोई ऑफर आने वाला है, या हो सकता है आपके परिवार में ही कहीं आपकी शादी की बात चल रही है तो वहाँ से भी कोई आपको खबर ऐसी मिलने वाली, कोई इंगेजमेंट के लिए प्रपोज कर सकता है आपको। अगर आप कई दिनों से किसी का इंतज़ार कर रहे थे तो
उसका आप कोई ऐसा अच्छा मैसेज आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते, वो सीधा एंगेजमेंट या सीधा मैरिज के लिए आपसे पूछ सकता है। बस आपको ही अब डिसीज़न लेना है कि अब आपको करना क्या है। फ्रेंड्स, ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी का दिल से इंतज़ार कर रहे थे, कोई आपको मिला फिर आप दोबारा उससे नहीं मिल पाए, ऐसा भी कोई है, तो कहीं ना कहीं से आपको उसके लिए भी कुछ खबर मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस वाला इशू है कुछ, वो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हैं, तो हो सकता है आपको कोई नई लिंक मिल जाए या फिर से उनसे बातचीत हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आपके जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपके टेंशन चल रही है लाइफ में, आप शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर हमें लगा तो हम उस पर भी ज़रूर वीडियो लाएंगे आपके लिए। और आपका दिल करे तो बन जाए हमारे परिवार का हिस्सा, ताकि जब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें तो वो ब्लेसिंग आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने कैरियर में आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।